डॉक्टर सरीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सरीन, मैं आपके पास आना चाहूँगी सर, और मैं आपसे भी ये सवाल जानना और समझना चाहूँगी। जो व्यक्ति लीवर के बारे में जानना चाहता है, वो सबसे पहले यही जानना चाहता है कि अगर फैटी लीवर हो गया है और अगर वो ग्रेड वन में है, ग्रेड टू में है, तो सबसे पहले जहन में ये सवाल आता है कि क्या इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि आम तौर पर बोलचाल में लोग कह देते हैं, अरे आजकल तो ये बहुत कॉमन है, सबको होता है। तो ये जो सबको होता है टेंडेंसी से कितना आप वाकिफ रखते हैं, और क्या लगता है कि इसको एक इमरजेंसी के तौर पर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सर? देखिए, ये बात तो सच है कि भारत में लगभग 25% लोगों में लिवर में एक्स्ट्रा फैट है या फैटी लिवर है, और इसको इमरजेंसी तो नहीं मानना चाहिए, पर हाँ, एक अलार्म बेल की तरह ज़रूर समझना चाहिए। ये कहना कि उसको भी है, मुझे भी है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज़ नॉट करेक्ट। अगर आपको पता है कि रेड लाइट है तो आप ज़रूर रुकेंगे, फाइन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कई बार डेथ भी हो जाती। तो ये सारे एक तरह से फैटी लिवर से रिलेटेड एक सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं कि आप अगर अलार्म रखेंगे रेड लाइट पे, फाइन नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा और डेथ नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर हम टाइमली फैटी लिवर जैसे ग्रेड वन ग्रेड टू में अगर हम अलार्म समझें, और इससे ये भी समझें कि इससे लिवर और लिवर के अलावा बाकी शरीर पर भी असर होता है, तो मुझे लगता है कि लोग इसको गंभीरता से लेंगे। लिवर एक इतना स्टर्डी ऑर्गन है कि जब तक 70-80% डैमेज नहीं हो जाए, मतलब एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तब तक लोग पता नहीं लगा पाते कि मेरा लिवर ठीक नहीं है। पर और चीज़ें साथ साथ पता लगने लग जाती हैं, जैसे अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, इसका मतलब लिवर में फैट है। ये फैटी लिवर के कारण ही एक्स्ट्रा फैट ब्लड में आया, और बहुत कॉमन। आपने ब्लड टेस्ट कराया और पता लगा कि SGPT या AST ALT जो ब्लड टेस्ट है वो बढ़े हुए हैं, ये मार्कर है कि लिवर में इंजरी है, या ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, या किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा है, या अर्ली ब्लड शुगर बढ़ने लग गया, ये सारे सिम्टम्स लिवर के अलावा बाकी बॉडी पे फैटी लिवर के हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर फैटी लिवर है, ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री पे ना जाने दें, और उसी समय उसको समझ के और रिवर्स करने की कोशिश करें, जिससे लिवर भी बचा रहे और बाकी बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शंस बचे रहें। और आज की तारीख में अगर 1/4 लोगों के अंदर हमारे फैटी लिवर है, लगभग 10% में डायबिटीज़ हो गई, और लोग कहते हैं डायबिटीज़ बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि फैटी लिवर बढ़ेगा, सीवियरिटी ऑफ फैटी लिवर बढ़ेगी, इसीलिए डायबिटीज़ इज़ ए टाइप ऑफ लिवर डिजीज़ विच इज़ एडवांस, जहाँ पे इंजरी ज़्यादा है रेड लाइट क्रॉस करने पे। तो मैं क्लियर हूँ इन मामलों में कि हमारी एज ए डॉक्टर ये ड्यूटी है कि हम लोगों को डराएं नहीं, समझाएं और उनको इस तरह से उत्साहित करें कि वो ग्रेड टू को ग्रेड वन में और ग्रेड वन को ग्रेड ज़ीरो लिवर हेल्दी लिवर की तरफ लेते जाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। चूँकि आपने डायबिटीज़ की बात कही है, तो यही सवाल एक और मैं आपको पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़ वाले, हार्ट प्रॉब्लम वाले, ये लोग क्या करें, किस तरीके से अपना बचाव करें, किस तरीके से ध्यान रखें, ताकि जो लीवर से जुड़ी परेशानी तो है ही, लेकिन उसके साथ ही अगर डायबिटीज़ भी है, लीवर में भी समस्या आ गई है, तो वो लोग क्या करें, किस तरीके से ध्यान रखें अपना? डायबिटीज़ पहले हम लोग सोचते थे उसे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ कहते थे, वो डायबिटीज़ लगभग 40-50 साल के या उससे अधिक अवस्था वाले लोगों में पाई जाती थी, पर अब वही डायबिटीज़ यंगर एज के अंदर जो टाइप 2 डायबिटीज़ या मैच्योरिटी ऑनसेट है, वो यंगर एज में 20-25 साल के लोगों में भी आने लग गई है। डायबिटोलॉजिस्ट इस बात को और कन्फर्म करेंगे, पर ये एक तरह से ये जेनरेशनल ग्रोथ हो रही है, मतलब फादर को अगर 40-50 साल में थी तो अगर यंगर एज के अंदर पास हुई तो नई जनरेशन में यंगर एज पे हुई। डायबिटीज़ वालों के लिए 4-5 चीज़ें एकदम क्लियरली मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि 2 तरह के लोगों में फैटी लिवर पक्का है, एक तो जो ओबीज हैं और 2 जिनके अंदर डायबिटीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग है, इन लोगों में फैट एक्स्ट्रा लिवर में है।
तो उनको अपना फैटी लिवर चेक कराना चाहिए। पर फैटी लिवर धीरे धीरे एक्स्ट्रा फैट लिवर की लिवर में स्कारिंग करती है, फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसे जैसे एक तरह से स्कार बन जाए आपके हाथ में या सिरोसिस हो जाए। तो अगर डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग है, 10 से 15 साल हो गई है, तो लिवर में स्कार हो सकते हैं, फाइब्रोसिस हो सकता है। तो हर डायबिटिक को, स्पेशली 40 से 45 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को, अपने लिवर का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और अगर ओबेसिटी प्लस डायबिटीज है तो थोड़ा ज़्यादा खराब रिस्क है, लिवर में सिरोसिस का रिस्क 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो डायबिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग, 40 साल से ऊपर लिवर का टेस्ट कराएं, और अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो और ध्यान रखें कि ये हो सकता है। बिल्कुल नेक्स्ट, ये भी ज़रूरी है कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। शुगर कंट्रोल में रहेगी तो लिवर बेटर होगा। डायबिटीज़ के लिए वो सारे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि वेट कम रहे, एक्सरसाइज करें, लिवर से फैट निकलेगी, डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप ओवरवेट और डायबिटिक हैं, पक्का मान के चलिए वेट घटाने से डायबिटीज़ का कंट्रोल, डायबिटीज़ से जो लिवर की इंजरी है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हैं। सभी को टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र किया डॉक्टर सरीन ने कि 40 से अगर ऊपर है और थोड़े भी सिम्टम आपको समझ में आती है या दिखाई पड़ती है तो टेस्ट करा लेने में ही फ़ायदा है।